दोस्तों आज अंडा कड़ी खाने का मन था तो मैंने सोचा चलो अंडा कड़ी बना लेते हैं। हमने ये 4 अंडे लिया है और 2 आलू को बीच से काट कर साथ में बॉईल कर दिया है और 2 प्याज, 4 लहसुन, 1 छोटी टुकड़ी अदरक, 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर, बस इतने ही सामान से बनाएंगे देसी स्टाइल में, गांव साइड में जैसे बनाते हैं। अगर आप बैचलर हैं, अकेले रहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले प्याज काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। हमारे पास यही टॉप है तो इसी से बनाएंगे। टॉप गर्म हो चुकी है तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालकर अंडे को फ्राई कर लेते हैं। अब उसी तेल में प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब प्याज फ्राई हो चुकी है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और मिला देंगे। अब कटी हुई टमाटर भी डाल देंगे और मिला देंगे। अब इसमें अंडा मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर है तो इसे भी डाल देंगे और थोड़ा पानी मिलाकर मिला देंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मसाला बढ़िया से गल गया है तो इसमें बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब अपने हिसाब से पानी डाल देंगे। और अब फ्राई किया हुआ अंडे को फोड़ कर डालेंगे और ढक देंगे और 2 मिनट पकाएंगे। और अब हमारा अंडा कड़ी बन गया है, देख सकते हैं।